अरे बाप रे, लगता है घर में आज काफी देर तक सोती रही। दादी माँ घर से बाहर निकलकर टूना और टूनी को आवाज लगाती है। अरे टूनी, ओ टूना, कहाँ गए तुम दोनों? टूना और टूनी दादी माँ के पास आते हैं। क्या हुआ दादी माँ, हम तो यहीं पर हैं। आपको क्या हुआ है, बोलो तो दादी माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो? अरे मेरे लाल, मुझे क्या होगा, असल में मैं तुम दोनों को ना देखूं तो मेरा मन छटपटाने लगता है। आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। ये बात तो सही कही है, पता नहीं पर मेरा मन तो बहुत ही बेचैन हो रहा है। तो हमें भी तुम्हारे मन की बात बताओ। अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो। कई दिनों से मेरा मन मीनू चिड़िया से मिलने के लिए छटपटा रहा है। दादी माँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हिचकिचाने वाली ऐसी कौन सी बात है? अब उसकी याद आती है तो उसे देखने का मन करता है। अब उसकी याद आ रही है तो मीनू मौसी के यहाँ कुछ दिन ठहर कर आ जाओ। अब तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो कुछ दिन ठहर कर आ जाती हूँ, क्या कहते हो? अब इसमें कहने वाली क्या बात है? ठीक है, मैं जाकर आती हूँ, तुम दोनों घर का ख्याल रखना। आप निश्चिंत होकर जाओ दादी माँ, हम सब संभाल लेंगे। फिर दादी माँ मीनू मौसी को मिलने निकल पड़ती है। थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हूँ, सूरज ढलने से पहले मीनू के यहाँ पहुँच जाना होगा। पर कहाँ भैया, ये सफर छोटा थोड़ी है। उफ, ये रास्ता तो जैसे खत्म ही नहीं होता है। इस तरह चलते चलते प्रभु का नाम लेते लेते पहुँच जाऊंगी। वही फिर रास्ते में दादी माँ को एक बड़ा चील देख लेता है। अरे अरे, ये क्या माजरा है भाई? नहीं नहीं, थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, ये तो साक्षात एक बुढ़िया है। देखो कैसे मटक मटक कर इसी तरफ आ रही है। ओहो, आज तो लगता है शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद शिकार अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक बड़ा चील है, ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? अरे वाह, तो ना देखूं, ऐसा दृश्य हर रोज देखने को नहीं मिलता। जो देखना था वो देख लिया ना, अब मेरा रास्ता छोड़ो तुम, मुझे जाना है। अरे कैसी बातें कर रही है, ऐ भी रास्ता छोड़ दूं, ऐसा कभी होता है क्या? अरे अच्छा, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा, बताना। क्यों, मैं तुम्हारी बोटियाँ खाऊंगा, हड्डियों को चबा चबा के खाऊंगा। जाने कितने दिनों के बाद आज इस भोजन का आयोजन हुआ है। बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे मार कर तुम्हारे लिए एक बढ़िया खाने का व्यवस्था हो जाएगी, है ना? तुम इतनी समझदार हो तो मरने के लिए मन ही मन तैयार हो जाओ। अरे मर गई रे, ये तो सच में मुझे मारने के लिए मेरे तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कोई और तरीका सोचना होगा। क्या हुआ बुढ़िया, डर के मारे हाथ पैर कांपने लग गए क्या? अब हाथ पैरों का क्या है भैया, हाथ पैर के नाम पर शरीर में अब सिर्फ हड्डियां ही तो है, अब इसमें बोटी जैसी तो कोई चीज बची ही नहीं। बात तो तुमने फतेह की कही है, अब क्या कर सकते हैं?
पर मैं कह रही थी, अगर तुमने थोड़ी सी भी धीरज रखी तो हो सकता है तुम्हें खाने को मिल जाए। वो कैसे, बताना तो जरा। मैं पहले जरा मीनू चिड़िया के यहाँ से मोटी ताजी होकर आती हूँ, उसके बाद चाहे तो तुम मुझे कच्चा ही खा जाना। अभी खाया तो तुम्हें सिर्फ हड्डियाँ और चमड़ी ही नसीब होगी, मेरे शरीर में अब बचा ही क्या है। ठीक है, फिर तुम मोटी होकर लौटो, उसके बाद मैं तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगा। फिर चील वहीं इंतजार करते बैठ जाता है और दादी माँ आगे बढ़ जाती है। चलो भैया, अच्छा हुआ जान में जान आई, अब जरा निश्चिंत होकर आगे का बचा हुआ सफर तय कर लेती हूँ। अब लगता है सामने कोई और खतरा नहीं दिखेगा। इतना बोलते ही अचानक से उनके सामने एक गिद्ध आ जाता है। तुम जो भी सोच रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है बुढ़िया। अरे मर गई रे, वो कहते हैं ना भाई, जिसे नहीं ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। अरे नहीं नहीं, घर के पिछवाड़े कहाँ, बिल्कुल सामने हूँ, पहले जरा तुम्हें चबा कर खा तो लूँ। अरे क्या कह रहे हो, इतनी भी जल्दी क्या है। अरे रुको, पहले तुम्हारे साथ बैठकर बातें तो कर लूं। मेरे साथ बात करेगी, सठिया गई है क्या, और कोई मिला नहीं बात करने को। ओहो कैसी बातें करते हो, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आहा जाने कितने दिनों बाद मनुष्य की बोटियाँ नोचूंगा। आहा, ये भी कोई टाइम है बात करके समय खराब करने का, मुझे क्या तुमने उल्लू समझ रखा है। उल्लू तो तुम हो, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। देखो बुढ़िया, अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भैया, उल्लू ना हो तो कोई इस हड्डी के ढांचे को चबाने की इतनी जल्दबाजी थोड़ी करता है। अगर तुमने मुझे अभी खाया तो सिर्फ हड्डी और चमड़ी होगी, अब इस शरीर में बचा ही क्या है। मतलब ये कि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। तो तुम चिंता मत करो भाई, बस एक बार मीनू चिड़िया के यहाँ चली जाऊं, फिर तुम मुझे देखना, खा खा कर मेरा चेहरा ऐसा मोटा हो जाएगा कि मुझे खाना तो दूर, मुझे देख देख कर तुम्हारा पेट भर जाएगा। वाह, ये तो फतेह की बात कही है तुमने। ठीक है तुम जाओ, पर याद रखना मैं केवल तुम्हारे ही इंतजार करूँगा। मैं इसी रास्ते के पास तुझ पे ही नज़र टिका के रखूँगा, खबरदार यदि तुमने होशियारी की तो। अरे उसे लेकर तुम निश्चिंत रहो, जब तक बची रहूँगी अपनी बात से नहीं फिरूँगी। इतना कहकर दादी माँ वहाँ से चली जाती है और गिद्ध वहीं इंतजार करने लग जाता है। फिर दादी माँ मीनू चिड़िया के यहाँ पहुँच जाती है। क्यों रे, कहाँ चली गई तू, बाहर निकल के देख तो कौन मिलने आया है तुमसे। अरे वाह दादी माँ, आप, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे घर आ गई। कैसे नहीं आऊं चिड़िया रानी, तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं था मैंने। फिर मीनू चिड़िया उनकी अच्छे से सेवा करती है, उन्हें खूब सारा खाने को देती है। देखते देखते एक महीने गुजर जाते हैं, आखिरकार आ गया वो वाला दिन। दादी माँ मीनू चिड़िया को पास बुला कर कहती है, अब मुझे वापिस जाना होगा मीनू। ये क्या दादी माँ, अभी अभी तो आई हो और वापिस जा रही हो,
फिर दादी माँ मीनू चिड़िया को रास्ते की सारी बातें बताती है कि कैसे चील और गिद्ध उन्हें खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। डरने की कोई बात नहीं दादी माँ। सुनो, मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। मेरे पास एक बहुत बड़ा कद्दू है, मैं उसे खोखला कर दूंगी। आप उसके अंदर बैठकर जा सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इसके अंदर बैठ के चली जाऊंगी। चील और गिद्ध को तो समझ ही नहीं आएगा, वे मुझे खा भी नहीं पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इसके अंदर बैठ के चली जाऊंगी। चील और गिद्ध को तो समझ ही नहीं आएगा, वे मुझे खा भी नहीं पाएंगे। फिर मीनू चिड़िया कद्दू को खोखला करके दादी माँ को दे देती है। दादी माँ उस पर बैठकर लुढ़कते हुए घर के लिए निकल जाती है। फिर गिद्ध के पास पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये क्या बला है। अरे अरे, ये तो कद्दू है। नहीं नहीं, ये बुढ़िया नहीं हो सकती, और इसे खा भी तो नहीं सकते। बुढ़िया जरूर चुपके से इधर से निकल गई होगी। इतना बोलकर गिद्धा कद्दू को धक्का देकर निकल जाता है। फिर दादी माँ लुढ़कते हुए चील के पास पहुँच जाती है। अरे अरे, कद्दू कब से चलने लगा और ये इधर ही आ रहा है। पता करना होगा माजरा क्या है। इसे अभी तोड़ के देखता हूँ। अरे अरे, यही रही बुढ़िया। अब बता कहाँ भागेगी अब। अरे भैया, मैं क्यों भागने लगी भला। तुम मुझे खाओगे जानकर मैं तो दौड़ी दौड़ी मतलब लौट लौट कर चली आई। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो फिर आओ, मैं तुम्हें खा जाता हूँ। रुको रुको, खाने से पहले मेरी एक शर्त है। मैं उस टीले पर जाकर गाना गाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ तुम भी, दोनों गाना बजाना करेंगे, फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है ठीक है, मुझे भी गाना गाना अच्छा लगता है। अब तो मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना कहकर दोनों टीले की ओर चले जाते हैं। फिर टीले पर जाकर दादी माँ जोर जोर से टूनी और टूना को पुकारने लगती है। अरे अरे, ये तो दादी माँ की आवाज है। लगता है वे किसी मुसीबत में है और हमें बुला रही है। अरे आओ आओ, देखो तो जरा, इस शैतान के हाथ से मुझे बचाओ तो जरा, जल्दी आओ। अरे बाप रे, जिंदा रहा तो ढेरों बोटियां खा पाऊंगा। फिलहाल यहाँ से कट लेता हूँ। फिर टूना और टूनी उस चील को डंडे से मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। इस तरह दादी माँ अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेती है।